बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने जरिए चैनल ते तुहानू खुशमदीद आखना। दोस्तों, अज दी वीडियो दे विच जिहड़ी असीं तुहाडे नाल मालूमात सांझी करन वाले हां, वो सीट्रस लीफ माइनर दे बारे च है। ये भी एक नींबू दे पौधे नू जां सीट्रस दा कोई भी दूसरा मसलन किन्नू माल्टा वगैरह, एक कीड़े दा नाम है लीफ माइनर, वो किस तरीके नाल नुकसान पहुँचाउंदा है, इहदियां अलामतां की ने, ये कीड़े का लाइफ सर्कल की है और इन दा तदारक, ये सारिया गल्लां बातां तुहाडे नाल इस वीडियो सांझियां करांगे। तो साडे नाल वीडियो च रहना, वीडियो शुरू करने हैं। दोस्तों, तुसीं जानदे हो कि लीफ माइनर एक सरुंगी कीड़ा भी इहनूं कहा जांदा है। ये इब्तदाई तौर पर इहदा अगर लाइफ सर्कल देखा जाए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। थ्रिप्स के बारे में मैं तुहानूं दस्सिया सी, इस तरह लीफ माइनर के बारे दसना चाहना। जिन्ना चिर उस कीड़े के लाइफ सर्कल के बारे सानू पता नहीं ना होएगा, तो असं स्प्रेवा जड़िया मर्जी करी जावे वो इन्ना असर नहीं दिखा। एक छोटा जहा कीड़ा अडल्ट यदि आंडा दी है, आंडिया तो बाद वो बच्चा जिन्हों लार्वा कहने, वो जोड़ा लार्वा ना दोस्तों, वो ही ते यानी नींबू दे या माल्टे दे या संतरे दे जेडे पत्ते ने, है जो पत्ते इन्हों नुकसान पहुँचा। वो लार्वा ये यदा जोड़ा है अंदर का सिस्टम है पत्ते का, वो लार्वा दी आंडे तो बाद लार्वा, और वो लार्वा जोड़ा कुछ दिन बाद हफ्ते तो बाद प्यूपा की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यदि लाइफ एक सर्कल ने, वो प्यूपा जोड़ा है वह 15 दिन बाद अडल्ट बन जाता। अडल्ट मीन एक जवान बालग हो जाता। वो जोड़ा बालग है ना, अडल्ट हो के एक मक्खी नमा पर वाली सूरज फिर उड़ जाता, ज़्यादा खतरनाक जोड़ा है। और फिर वो जोड़ा उड़ जाता ना, वो मादा वो फिर अगों अपनी जनरेशन वधाती है। खास करके बेसिक लार्वा जोड़ा ना, ज़्यादा पौधे को डैमेज करता है। ये पत्तियां के उत्ते तुसी देखोगे चांदी नमा सिल्वर कलर दियाँ लाइना लगिया होनी, अक्सर इस तरह दायरे बने होंगे ने। तुसी जेडे डैमेज पौधे होंगे ना, उन्हां ते लाइना लगी होंगियां, एक सर्कल इस तरह बनाए। इस वजह तो इस कीड़े नूं सुरुंगी कीड़ा भी कहा जाता है। अगर दोस्तों इहदा तुसी टाइम नाल वक्त नाल अगर इहदा उपा नहीं करते, इहदे ते कंट्रोल नहीं करते, ये तुहाडे सारे बाग के पत्तियां नूं डैमेज कर देगा। पत्ते शगूफे जिस वक्त डैमेज हो जाएंगे, इहदी मादा जिहड़ी अक्सर पत्तियां दे थले निचली सतह दे विच वो आंडे दिंदी है, उतों फिर वो आंडियां तो बाद लार्वा बनता है, लार्वा उहदे च घुस के ते नुकसान पहुँचाउंदा है। अगर इहदा तुसीं पर वक्त कोई कैमिकल तदारक ना कीता, ते तुहाडे बाग नूं, तुहाडे सीट्रस दे पौद्यां नूं, तुहाडे नींबू दे पौद्यां नूं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह तो सानूं फिर कुछ इहदे कंट्रोल लाउणा पैंदा। कंट्रोल लई दोस्तों एक नामियाती तरीका, एक कैमिकल तरीका। नामियाती तरीका तो यह दोस्तों, अगर इस सुरुंगी कीड़े को कंट्रोल करने वास्ते तुहाडा छोटा रकबा है, पैली खंड है, विघा है, या कुछ थोड़ा जहा घर च बाग लाया है नींबू का, तो वो अगर पौधे मुतासर होए ने, शाखा मुतासर हुई हैं, जेडे निशान मैं तुहानूं दसे ने, वो अगर आ रहे हैं तो समझो इस सीट्रस थ्रिप्स है। और इस तो बाद पत्तियां नूं कालियां कर दिंदा, मसक कर दिंदा, झुलस जाते हैं पत्ते, सड़ भी जाते हैं। कुछ तस्वीर असी वीडियो ये डैमेज दियाँ दिखावे, वो तुसी मेन निशानी होवे अगर तुहाडे पौद्या पत्तिया या फल योजा नुकसान पहुँचता है, तो समझ लो लीफ माइनर का तुहाडे नींबू ते तुहाडे किन्नो ते सीट्रस ते फ्रूट ते हमला हो चुकिया है। रही गल ये कंट्रोल दी, दोस्तों दो तरीके ने, एक नामियाती तरीका, दूसरा कैमिकल तरीका। नामियाती तरीका अगर थोड़ी तादाद तुसी कंट्रोल कर सकते हो, जिहड़ियां मुतासर शाखा ने उन्हां नूं कट के अलहदा करके किसी जमीन च दबा दो, ताकि अगे बीमारी ना वधे। अगर तुहाडा ज़्यादातर बाग है, अक्सर लोग ज़्यादा बाग खेतों च लाए होंगे ने, उन्हां वास्ते फिर दोस्तों एक नीम आयल प्लस पानी, ये दोनों नूं मिक्स करके इहदा तुसीं स्प्रे कर सकते हो। उस तों बाद कैमिकल दूसरे तरीके, जिन्हां दे विच दोस्तों बाइफेंथरीन लैमडा सैलोथरीन ये दो जहर ने, पेस्टिसाइड इनसैक्टीसाइड, इन्हों तो अलावा भी तुसी कोई भी किसी ग्रुप का भी लै सकते हो,
ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਵੋ ਜਾਂ ਲੈਮਡਾ ਸੈਲੋਥਰੀਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂੰਗੀ ਕੀੜਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।